आरएसएस से जुड़े पत्रकार ने किया सर तन से जुदा वाली धमकी मिलने का दावा। पुलिस की जांच ने किया हैरान करने वाला खुलासा। कुछ दिन पहले आजाद निशांत, जो कि आरएसएस से जुड़े रिपोर्टर हैं, उनके व्हाट्सएप पर धमकी मिलती है। आरोपी ने निशांत को धमकी देते हुए कहा कि वो इस्लाम के खिलाफ लिखना बंद कर दें, नहीं तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। आरोपी ने कथित रूप से सिर काटने की धमकी भी दी। नेशनल मीडिया द्वारा इस खबर को समुदाय विशेष को बदनाम करने के उद्देश्य से बहुत बड़े लेवल पर चलाया गया। जब मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस ने जांच की और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। पुलिस की जांच में पाया गया कि आरएसएस से जुड़े रिपोर्टर निशांत के परिचित आरोपी प्राण प्रिय वत्स को धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसने निशांत को प्रताड़ित करने और तंग करने के लिए ऐसा किया था। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और चर्चित फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने इस डिटेल में शेयर किया और जिस पर यूजर्स की अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। एक और शख्स ने ट्विटर पर लिखा, इस नफरती पे कौन सी धारा लगेगी, एनएसए यूएपीए लगेगा या वो धर्म देखकर कार्य करता है। एक और शख्स ने लिखा, निशांत आजाद जी आस्तीन में हिंदू सांप पाले हुए थे आप। एक शख्स ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टैग करते हुए पूछा, माननीय मुख्यमंत्री जी इस धमकी देने वाले के घर पर बुलडोजर चलेगा कि नहीं। आपको बताते चले, इससे पहले गाजियाबाद के एक डॉक्टर का वीडियो भी टीवी चैनलों पर खूब फैलाया गया, जिसमें उन्होंने कथित रूप से सिर काटने की धमकी मिलने का आरोप लगाया था, जिस पर पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि डॉक्टर ने लोकप्रियता हासिल करने के लिए खुद ही अपने मोबाइल पर मैसेज करके इस तरह का ढोंग रचा था। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर की अपडेट आप तक पहुंचे।